लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सच कह रही हो चंपिका, कब है श्री राम का राजरोहण? बस इसी सप्ताह होने वाला है। उर्मिला दीदी, यह तो सबको लग ही रहा था, जैसे ही महाराज युद्ध से विजयी होकर लौटेंगे, श्री राम के राजरोहण की घोषणा होगी। हम तो बस इसी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंपिका, सीता कहाँ है? मैंने उन्हें मंदिर से कक्ष की ओर जाते देखा था। आओ मंत्रा माई, विश्राम करो। मैं तुम्हारे लिए जलपान मंगवाती हूँ। नहीं 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 नहीं, जलपान की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा पेट तो तुम्हें देखकर ही भर गया है। लेकिन कैकेयी महारानी, मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आ रहा है। अयोध्या महाराज मेरी चतुराई की प्रशंसा करते हैं और तुम्हें मेरी बुद्धि पर तरस आ रहा है। मंत्रा माई, लगता है कुछ सठिया गई हो। मैं सठिया गई हूँ या तुम्हारी समझ को काट मार गया है? मान सम्मान का ध्यान रखो मंत्रा। मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, अयोध्या नरेश की सबसे प्रिय महारानी हूँ। तनिक सोच विचार कर बोला करो। तुम चाहे क्रोध में आंखें दिखाओ मुझे, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं तो तुम्हारी भलाई की ही सोचूंगी। तुम मेरी भलाई की सोच रही हो तो आते ही मेरा अपमान क्यों कर रही हो मंत्रा? कैके महारानी, कभी कभी भलाई की बातें भी कड़वी लगती है। हाँ, पर कहना क्या चाहती हो तुम, ये तो बताओ। वो तो मैं बाद में ही बताऊंगी तुम्हें, पहले मुझे ये बता कि मेरा लाडला भरत कहाँ है। तुम्हें नहीं मालूम, वो तो पिताश्री के साथ ननिहाल गया है। वे आग्रह करके भरत और शत्रुघ्न दोनों को साथ ले गए। अब कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आ गई हैं। फिर वही बात, तुम्हें यहाँ आते ही हो क्या गया है? यहाँ आते ही मन को ठेस पहुँचेगी, ये पता होता तो मैं यहाँ आती ही क्यों। यदि आंसू पोछने का यही नाटक करना है तो इसी समय यहाँ से लौट जाओ। आज महाराज ने मेरे राम के राजारोहण की घोषणा की है, ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारा ये विचित्र व्यवहार क्यों? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी कैकेयी, अपने आप को बहुत चतुर समझ रही हो। ऐसी समझ को कोई क्या कहे जिसे अपने भले बुरे का भी विचार ना हो। महाराज दशरथ की तुम सबसे चहेती रानी हो, सबसे वीर हो, इस बात का लाभ उठाने के बदले तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। क्या बक रही हो मंत्रा, तुम सरासर मेरा अपमान कर रही हो। राम तो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है, वो सबसे बड़ा और अयोध्या का युवराज है। उसके राजारोहण की घोषणा से मैं ही नहीं, सारे अयोध्या में हर्ष की लहर फैल गई है, फिर मैं क्यों ना प्रसन्न हूँ? तुम तो बहुत भोली हो महारानी कैकेयी। जानती हो राम के राजा बनते ही क्या परिणाम होगा? राम ने दिखा दिया है कि वो शासन में अपने पूर्वजों से कम नहीं है। राम के राज्य में चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य होगा, किसी की आंखों में भी आंसू दिखाई न देगा। यदि मुझे अपने लाडले भरत का ध्यान न होता तो मेरी भी आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते महारानी। एक बात समझ लो, राम के राजा बनते ही तुम्हारा बेटा भरत उसका सेवक बनकर रह जाएगा और राजमाता का पद महारानी कौशल्या को मिलेगा। तुम्हारा अपना स्थान कहाँ होगा ये तुम स्वयं ही सोच लो। मैं कौशल्या दीदी और अपने आप में अंतर नहीं मानती, और मेरा राम तो तीनों माताओं पर प्राण छिड़कता है। राजा बनते ही वो हमें और ऊंचा स्थान देगा। फिर मेरी एक बात गांठ बन लो कैकेयी, राम के राजा बनते ही तुम्हारे संसार में अंधेरा छा जाएगा। तुम अपने आप को बहुत चतुर समझ रही हो ना, तो ये बात भी समझ लो कि राम के राजा बनते ही उसकी दृष्टि बदल जाएगी। ना तो तुम्हें पहले की तरह आदर सम्मान देगा, ना ही तो अपने भाइयों को। भरत तो
उसे फूटी आंखों ना सुहाई का। नहीं मंत्रा, ऐसा ना कहो, ये सत्य नहीं है। मेरा राम तो सब मनुष्यों से अलग है, वो ऐसा कदापि नहीं करेगा। और फिर भरत को तो वो प्राणों से अधिक चाहता है। भावनाओं की धारा में ना बह कह के ही ये धारा तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां से तुम्हें लौटना असंभव होगा। राम के राज्यारोहण के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र काम कर रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राज्यारोहण के लिए यही दिन क्यों चुना गया जब भरत अयोध्या में नहीं है? इसमें राम का क्या दोष? भरत को तो मेरे पिताश्री ले गए। भरत को तुम्हारे पिताश्री के साथ जानबूझकर इसलिए भेज दिया गया था ताकि वो अयोध्या के राजगद्दी पर अपना अधिकार ना जता सके। ये तो एक संयोग की बात है। राम के राज्यारोहण का विचार तो महाराज ने बहुत समय पहले कर लिया था और भरत ने कभी उसका विरोध नहीं किया। भरत ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि उसकी बुद्धि एक बालक की बुद्धि है। उसे भी तुम्हारे समान भाइयों की प्रेम की झूठी भावनाओं में बहकाया गया है। जब तुम जैसे चतुर महारानी धोखा खा सकती है तो बेचारे भरत का क्या दोष है? तुम्हारी बातें अब कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही हैं मंत्रा। मुझे विश्वास था मेरी बातें तुम अवश्य समझ लोगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम चतुर हो, देर सवेर अपना भला बुरा समझ लोगी। दशरथ, कौशल्या और राम के राजनीतिक षड्यंत्र का भांडा फोड़ दो कहके ही। यदि तुमने एक पल भी देरी कर दी तो बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगी। तुम संभवतः सत्य कह रही हो, मेरा भला सोचने वाली इस संसार में केवल तुम ही हो। अब तुम ही बताओ कैके, भरत को राजा बनाने में मेरा क्या स्वार्थ होगा? भरत मुझे तो अयोध्या की राजमाता नहीं बना देगा। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम तो मुझे अपनी संतान से भी अधिक प्रिय हो और भरत, मेरा लाडला भरत, मुझे तुमसे भी अधिक प्यारा है। मंथरा, जो तुमने मेरे लिए सोचा है एक सगी माँ भी अपनी संतान के लिए नहीं सोच सकती। बताओ अब मुझे क्या करना होगा? महाराज दशरथ ने अपने प्राण बचाने पर तुम्हें दो वचन मांगने के लिए कहा था। जाओ मांग लो उन दो वचनों के बदले भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 बरस का वनवास। जाओ जाओ बेटी, अपने अधिकार का प्रयोग करो। उन दो वचनों को याद करो जो महाराज दशरथ ने तुम्हें दिए थे। उस वीरता को याद करो जो महाराज के प्राण बचाने में तुमने दिखाई थी। जाओ कहते ही जाओ, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। हे विधाता, कितना भला है तू, मुझे ठीक समय पर अयोध्या पहुंचा दिया। क्या कह रही हो केकई? महाराज, मैं आपका षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मैं अपना अधिकार पाकर रहूंगी। कैसा षड्यंत्र, कैसा अधिकार? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं वो कह रही हूँ जो मुझे कहना चाहिए। अब तक मैं आपकी झूठी भावनाओं से भ्रमित थी, अब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मेरी आंखों में देखकर कहो क्या कहीं? महाराज, मैं देख रही हूं, यदि राम को आपने अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया तो मेरे भरत का स्थान भ्रष्ट हो जाएगा और मैं कहीं की नहीं रहूंगी। केकई, कहीं तुम अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी? किसी ने तुम्हें भड़काया तो नहीं? अपशब्द कहकर मुझे दबाने की चेष्टा ना कीजिए महाराज। मैं आपसे उन दोनों वचनों का हिसाब मांगने आई हूं जो आपने मुझे देवासुर संग्राम में दिए थे। तुम्हीं ने तो कहा था कि तुम्हारे ये दो वचन मेरे पास धरोहर के रूप में पड़े हैं, जब चाहोगी मांग लोगी। मैं वही मांग रही हूं महाराज। क्या चाहिए तुम्हें?
मेरे भरत को अयोध्या का सिंहासन और आपके राम को 14 वर्ष का वनवास। तुम्हें अवश्य कुछ हो गया है, अन्यथा तुम इतनी शीघ्र बदल नहीं सकती। यदि आपने रघुकुल में जन्म लिया है, यदि आप सूर्यवंश का गौरव बनाए रखना चाहते हैं, तो मुझे दिए हुए वचन पूर्ण कीजिए महाराज। नहीं, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी यह अन्यायपूर्ण मांग कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया है, सबसे पहले उसे मैं पूरा करूंगा। अर्थात मुझे दिए हुए वचनों से आप फिर रहे हैं, अपने पवित्र वचन तोड़ रहे हैं? किके, ऐसा मत कहो। मैं अपने दिए हुए वचन अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम कुछ और मांग लो, मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में रख दूंगा किके, परंतु ऐसी मांगे मत मांगो। मेरी मांग अटल है, यदि आपके वचन अटल नहीं तो स्पष्ट कह दीजिए। मैं सारे संसार में घोषणा करवा दूंगी कि रघुकुल के गौरव अयोध्यापति महाराज दशरथ अपने वचन से फिर गए हैं, अब उनका कोई विश्वास न करे, अब उनका कोई विश्वास न करे, अब उनका कोई विश्वास न करे। माता कहते ही ना हम सब पर वज्रपात कर दिया। उन्होंने महाराज से 2 वचन के बदले में राम भैया के लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांगा है। कौशल्या दीदी, कौशल्या दीदी, कैके ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। क्या बात है, आप सब मौन क्यों हैं? सीते, ये अचानक सबको क्या हो गया है? अयोध्या महल में ये उदासी की छाया कैसे फैल गई? श्रुतकृति, तुम तो बोलो ये सब क्या हो रहा है? अनर्थ हो गया,
माता कैकई ने हम सब पर वज्रपात कर दिया। उन्होंने महाराज से दो वचन के बदले आपके लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांगा है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता माता कैकई, ऐसा कभी नहीं कर सकती। स्पष्ट बताओ बात क्या है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं कौशल्या, राम के प्रति केकई की ममता बिल्कुल समाप्त हो गई है। वो राम को वनवास में भेजकर भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाना चाहती है। राम के प्रति केकई की ममता समाप्त नहीं हो सकती स्वामी, उसकी कोई और विवशता रही होगी। नहीं कौशल्या, केकई को अवश्य किसी ने भड़काया है, वह एकदम बदल गई है। यदि समय तुम उसे देखो तो तुम विश्वास ही नहीं कर पाओगी कि यह वही केकई है। केकई को भवन में जा बैठी है स्वामी, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो अंजल ग्रहण नहीं करेंगी। मैं क्या करूं कौशल्या, मैं क्या करूं? अपने दिए हुए दो वचनों के बदले वो जो कुछ मुझसे मांगती है मैं उसे कैसे दे दूं? भरत को मैं अयोध्या का शासन दे भी दूं, परंतु राम महलों में पले अपने राम को मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में कैसे भेज दूं? कैसे भेज दूं कौशल्या, ये कैसे संभव है? रघुवंशियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता तात। आपके की माता को दिए गए वचनों को पूरा कीजिए और अपना कर्तव्य निभाइए। मैं कदापि तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता। मैं केकई की अनुचित मांग को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं होगा तात, आप रघुकुल की रीति निभाएंगे, अपने दिए गए वचनों का पालन करेंगे और मैं अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करूंगा। राम, तुम अपने दुखी पिता को ही उपदेश दे रहे हो, तुम उस मां को नहीं समझा सकते जो अनुचित मांगे पूरी करवाने के लिए को भवन में जा बैठी है। बेटा राम, तुम युवराज हो, अयोध्या के सिंहासन पर आसीन होना तुम्हारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी। दायित्व और कर्तव्य से मुंह मोड़कर और माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करके क्या तुम सूर्यवंश की मर्यादाओं का पालन कर पाओगे? दिए गए वचनों को पूर्ण करने के लिए अपनी निजी सुख सुविधाओं का त्याग करना इन सब दायित्वों और कर्तव्यों से ऊंचा है दाद। आप ही सोचिए, यदि आप अपने दिए गए वचनों का पालन नहीं करेंगे तो संसार की दृष्टि में आपका स्थान कहां होगा? नहीं पिताश्री, मैं ये नहीं चाहता कि कोई आपको वचनद्रोही या विश्वासघाती कहे। मेरे जीते जी मैं ये कदापि सहन नहीं कर पाऊंगा। राम, बेटा राम, कह गई माँ को समझाओ, वो अपनी मांगों पर फिर से विचार करे, हम सबको दुख के महासागर में ना ढकेले। यदि कह गई माता के वचनों के पीछे विधाता का विधान कार्य कर रहा है तो मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता।